हेलो फ्रेंड्स, आई एम स्वाति सिंह। मेरी आज की क्लास में आप सभी का वेलकम है। हमारे जो टॉपिक चल रहे थे पेडागोजी का, एक होप आज की और एक दो वीडियोस और होंगी तो वो आपका लास्ट होगा। पीजीटी के लिए सिलेबस में जितना भी पेडागोजी का है मैं सारा कवर करवा चुकी हूँ, उसके अलावा कुछ भी नहीं बचता है। अब आपके पास सिलेबस से रिलेटेड अगर कुछ छूट गया है तो कुछ भी नहीं रह गया है। तो लास्ट टू और थ्री वीडियोस और आएंगी आपके पास पेडागोजी की, तो आप ये देख लीजिएगा, फिर फाइनल हो जाएगा आपका पेडागोजी का पूरा सिलेबस, ठीक है। एंड एक और चीज़ मैंने आपको बोली थी कि एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, तो उसकी भी सीरीज़ जल्दी आ जाएगी। उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर लिए जाएंगे और एक्स्ट्रा सेट डिस्कस कर लिए जाएंगे जिसमें आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। एंड जो हमारा लास्टली अब बात करते हैं, जो हमारा टॉपिक चल रहा था अब तक का, वो क्या चल रहा था जिसमें हम डिसेबिलिटीज़ के बारे में बात कर रहे थे कि डिसेबिलिटीज़ कौन कौन सी होती हैं, कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, उसका इम्पेक्ट कैसे बच्चों पे पड़ता है, क्या क्या बच्चों की करेक्टरिस्टिक्स होती हैं और एज अ टीचर आपको क्या चीज़ टैकल करनी है वहाँ पे, ठीक है। हम इस चीज़ के बारे में पढ़ रहे थे जिसके अंदर हमने फिजिकल डिसेबिलिटीज़ कंप्लीट कर लिया था अपना, एंड देन विजुअल एंड हियरिंग डिसेबिलिटीज़ कंप्लीट कर लिया था जो सेंसरी हमारे डिसेबिलिटीज़ में आता है। एंड उसमें लास्ट हमारा रह गया था डेफ्थ एंड ब्लाइंड, ठीक है, जो अंधे बहरे बच्चे होते हैं, जो जिनको दिखाई भी नहीं देता और सुनाई भी नहीं देता, ठीक है। विजुअलिटी में हमने पढ़ा था जिनको दिखाई नहीं देता या जिनकी साइट्स कम होती हैं, और हियरिंग में हमने पढ़ा था जो पूरे डेफ्थ बच्चे होते हैं या थोड़े हार्ड ऑफ हियरिंग होती है, जो काफ़ी मुश्किल के बाद सुन पाते हैं वो बच्चे, ठीक है। आज हमारा टॉपिक है डेफ्थ एंड ब्लाइंड। डेफ्थ एंड ब्लाइंड हमारा इसके अंदर लास्ट टॉपिक है कि वो बच्चे जो देख भी नहीं सकते हैं प्रॉपर और सुन भी नहीं सकते हैं, ठीक है। डेफ्थ एंड ब्लाइंडनेस इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ हियरिंग एंड विजुअल इम्पायर्स कॉजिंग सफर कम्युनिकेशन डेवलपमेंटल एजुकेशनल प्रॉब्लम्स। लाइक कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं इन बच्चों को जो देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, एजुकेशन से रिलेटेड। उसमें होती है मॉडरेट टू प्रोफाउंड हियरिंग एंड सिग्निफिकेंट विजुअल इम्पायर्स। देखिए सीधी सी बात है, अगर आपके सामने भी मैं मतलब आप एक बार सोच के देखिए, इमेजिन करके देखिए कि आपकी आंखें ख़राब हो जाएं या किसी कारणवश आप ना देख सको, आपकी आईसाइट वीक हो जाए, आपको स्पेक्स का यूज़ करना पड़े, तो आपको कैसी दुनिया लगेगी। आपको तभी इतनी प्रॉब्लम्स होती है कि क्या बाबा स्पेक्स लगाना ये सब चीज़ें। लेकिन सोचिए जिनकी आंखें ही नहीं होती हैं या फिर जिनको देखने में बिल्कुल दिखाई नहीं देता है, अंधापन होता है, उनको कितनी प्रॉब्लम्स होती होंगी, राइट। तो एजुकेशनली अगर हम सोच के देखें, वैसे बच्चे ना प्रॉपर रूप से पढ़ पाते हैं, ना प्रॉपर रूप से कोई भी किसी भी बात चीज़ को समझ पाते हैं, ना सिग्निफिकेंस को जान पाते हैं, ठीक है। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मॉडरेट टू प्रोफाउंड हियरिंग एंड सिग्निफिकेंट विजुअल इम्पायर्ड एंड अदर सिग्निफिकेंट डिसेबिलिटी, जैसे लाइक सेंट्रल प्रोसेसिंग प्रॉब्लम ऑफ विजन एंड हियरिंग डोमेन्स। एक सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती हैं, डोमेन्स होते हैं हमारे हियरिंग एंड विजुअलिटी के, कि आप प्रॉपर वे में देख नहीं पाते हो, प्रॉपर वे में क्या सुन नहीं पाते हो, तो ये वाली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है बच्चे के अंदर देखने को मिलती हैं जिनमें डेफ्थ एंड ब्लाइंड की प्रॉब्लम होती है, ठीक है। उनके सेंसरी इम्पार्शियल जो होते हैं, जो सेंसरी मूवमेंट्स होती हैं, सेंसरी पार्ट्स होते हैं, नर्व्स होती हैं, वो थोड़ा काम नहीं करती है, ठीक है। आम भाषा में अगर मैं आपको समझाना चाहूँ कि डेफ्थ ब्लाइंड कौन से बालक होते हैं, डेफ्थ ब्लाइंड वो वाले बच्चे होते हैं, वो व्यक्ति होते हैं जो सुन देख नहीं सकते और किसी भी प्रकार का कार्य करने में उनको काफ़ी दिक्कतें आती हैं। एजुकेशन से रिलेटेड अगर हम बात करें तो वो प्रॉपर शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते, उनके लिए बहुत सारे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट का हमें प्रयोग करना पड़ता है, अदर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करानी पड़ती, और उस कंडीशन में भी हम 100% ये नहीं कह सकते हैं कि वो चीज़ें जो फैसिलिटीज़ और बाकी चीज़ हमने प्रोवाइड कराई है बच्चे के लिए, वो चीज़ बच्चे के लिए वहाँ पर बिल्कुल उसको 100% रिज़ल्ट उसके साबित करेगा। क्योंकि उस कंडीशन में क्या होता है, जैसे आप क्लासरूम के अंदर जब टीचिंग कराते हो
तो कैसे करवाते हो? बोलते भी हो, ब्लैक बोर्ड का यूज़ भी करते हो, एड्स का यूज़ भी करते हो। अगर किसी बच्चे की सुनने की और देखने की क्षमता ही नहीं है तो वो आपको प्रॉपर वे में कैसे सीख पाएगा, कैसे देख मतलब ऑब्जर्व कर पाएगा कि आप क्या पढ़ा रहे हो क्या नहीं पढ़ा रहे। जिसकी केवल एक कंडीशन होती है कि वो विजुअलिटी नहीं है, तो शायद आप वहाँ पे ट्राई कर सकते हो कि बच्चा देख नहीं सकता तो आप उसको सुनने वाले यानी कि ऑडियो वाले एड्स ज़्यादा उपयोग करो ताकि बच्चे को ज़्यादा लर्निंग हो सके। जो सुन नहीं सकते आप उनके लिए विजुअल एड ज़्यादा यूज़ करोगे ताकि बच्चा देख के सीख सके। लेकिन जिस कंडीशन में दोनों प्रॉब्लम्स हो जाती हैं बच्चे के साथ, हम वहाँ पे कुछ भी थोड़ा 100% नहीं कह सकते कि बच्चे के साथ किस तरीके की सर्कमस्टेंसेस और बाकी चीज़ें रखी जाएं कि बच्चा वहाँ पे प्रॉपर वे में सीख सकता है। इसको प्लीज़ कोई भी मेरी वीडियो के थ्रू नेगेटिव वे में मत लीजिएगा कि मैं अपनी वीडियो में ये पढ़ा रही हूँ कि जो डिफ्थ और ब्लाइंड बच्चे होते हैं उनका कोई फ्यूचर नहीं होता, वो पढ़ लिख नहीं सकते। एज अ टीचर आपको नेगेटिव नहीं पॉजिटिव ही सीखना है कि अगर वो नहीं पढ़ सकते या उनके साथ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं तो वहाँ पे आपको कैसे टैकल करना है और बच्चों को कैसे सपोर्ट करना है। PWD के हिसाब से ये सारी चीज़ें जो रखी गई हैं हमारे एजुकेशन में, उसके हिसाब से आपको कैसे बच्चों को देखना है, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी करैक्टरिस्टिक्स। डेफ एंड ब्लाइंड बच्चे जो होते हैं उसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? डिफिकल्टी बाउंडिंग विद केयर गिवर्स एंड एस्टैब्लिशिंग मेंटेनिंग इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। देखिए, जो इस तरीके के बच्चे होते हैं डेफ एंड ब्लाइंड, वो अपने पर्सनल रिलेशनशिप में भी काफ़ी वीक होते हैं क्योंकि किसी चीज़ को वो सुन नहीं सकते, फील नहीं कर सकते, सामने वाले की केयर नहीं देख सकते, प्यार नहीं देख सकते, बाकी चीज़ें नहीं देख सकते। तो उनमें क्या होता है, उनके सामने वाले की जो चीज़ें होती हैं, जो आपके सामने कोई प्रेजेंट कर रहा है आपके लिए, कोई केयरिंग है, लविंग है, ये सारी चीज़ें, तो वहाँ पे पर्सनल रिलेशनशिप भी बिगड़ते हैं और एक अच्छी बाउंडिंग क्या है इस तरह के बच्चे वहाँ पे नहीं रख पाते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है फीलिंग्स एंड वॉलंट्रीज। जर्नली लर्नर फील सफर इन अ स्केट पोजिशन। मतलब इस तरीके के बच्चे क्या है, आपस में भी या अपने आप में भी सेल्फली क्या करते हैं, एक नेगेटिविटी रख लेते हैं अपने आप में कि मैं सीख नहीं सकता या मुझे इतनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, मैं लाइफ में कहीं स्टैंड नहीं कर सकता, या आगे चलो मैंने स्कूलिंग पूरी कर ली तो मेरा आगे कोई फ्यूचर नहीं होगा, मुझे कोई कंपनी हायर नहीं करेगी, मैं कोई काम नहीं कर सकता, मैं फुटपाथ पर बैठा रहूँगा, या मुझे अगर मैं कोई बिजनेस भी स्टार्ट करूँगा पोलियो बहुत ये सब, या फिर फ़ोन वगैरह कॉलिंग के लिए, तो उसमें भी पीछे रह जाऊँगा। तो इस तरीके की फीलिंग भी क्या है, ये इन तरह के बच्चों में देखने को मिलती है। उसके बाद आता है डिफ़िकल्टी इन कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है इन बच्चों के साथ, क्योंकि आप जितना भी कम्युनिकेशंस क्या होते हैं कि अपने विचारों का आदान प्रदान करना, जिससे भी आप सामने वाले से कम्युनिकेट कर रहे हो, आप अपने शब्द बोलोगे, सामने वाला अपने शब्द बोलेगा, कम्युनिकेट करेगा आपसे, राइट। तो वहाँ पे क्या होगा कि जब आपस में कम्युनिकेट करोगे आप लोग, तो वहाँ पे कंडीशंस ऐसी मेंटेन हो जाएंगी कि वहाँ पे आप किसी भी प्रकार से प्रॉपर वे में कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे इन बच्चों से, क्योंकि वो आपको सुन भी नहीं पा रहे हैं और आपके गैस्चर्स भी नहीं देख पा रहे हैं, जिससे कि आप अपने विचार को क्या है उन तक पहुंचा सको, ठीक है। इसके बाद आता है ट्रबल लर्निंग ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस। मतलब बच्चों की लर्निंग में काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं कि इस तरीके के बच्चों के लिए लर्निंग कैसी रखी जाए और क्या चीज़ यूज़ की जाए, कौन सी टेक्निक स्ट्रेटजीज या बाकी स्किल्स यूज़ की जाए एज अ टीचर कि बच्चों की लर्निंग करवाई जा सके, ठीक है। तो इस तरीके की बच्चों के अधिगम में भी काफ़ी समस्याएँ देखने को हमें मिलती हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है डिले अंडरस्टैंडिंग दैट देयर आर कंसेशन ऑफ एक्शन। हम कभी भी जो भी एक्शंस करते हैं, मूवमेंट करते हैं अपने बातों के हिसाब से, बोलचाल के हिसाब से, तो वो अंडरस्टैंड करने में भी इन तरह के बच्चों को, डेफ एंड ब्लाइंड वाले बच्चों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। किसी साउंड एंड विजुअल जो आपके एड्स हैं उनको सुनने में, महसूस करने में, उनको यूज़ करने में भी प्रॉब्लम होती है। उसके बाद डिस्ट्रॉयड रिसेप्शंस ऑफ वर्ल्ड
टिपिकली प्रिसिशन टाइम डिफरेंसेस लाइक टाइम सीम्स टू पास मच मोर स्लोली. इनके लिए क्या होता है, थोड़ा जैसे हम लोगों का है, हर किसी का एक अपना पास्ट होता है, प्रेजेंट होता है और आने वाला फ्यूचर होता है. तो डेफ एंड ब्लाइंड बच्चों का क्या है, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर बिल्कुल सिमिलर होता है कि उनके लिए ऐसी लाइफ चल रही है तो ऐसी ही चल रही है. ठीक है, तो इसीलिए एक जो लाइफ के प्रिस्क्रिप्शंस हैं और जो बाकी कंडीशंस हैं वो डिस्ट्रॉयड होती हुई नज़र आती है कि वो किसी भी टाइप के उनके पास्ट एक्सपीरियंसेस, प्रेजेंट एक्सपीरियंसेस और फ्यूचर एक्सपीरियंसेस नहीं हो पाते हैं. ठीक है, उसके बाद आता है डिफ़िकल्टी इंट्रैक्टिंग विद थिंग्स इन एनवायरमेंट इज़ अ मीनिंगफुल वे एंड जनरलाइजेशन इंफॉर्मेशन. मतलब जो हमारे एनवायरमेंट के अंदर जो मीनिंगफुल थिंग्स हैं या जनरलाइजेशन थिंग्स हैं जिनके साथ आप डेली कम्युनिकेट करते हो, आप खुद सोचिए आप अपने घर में रहते हो तो डेली एनवायरमेंट से रिलेटेड कितनी थिंग्स से आप कोरिलेट करते हो, डेली बहुत सारी चीज़ों के साथ कोरिलेट करते हो और उनको यूज़ करते हो, मीनिंगफुल चीज़ों को अपनी लाइफ से कनेक्ट करते हो. तो इन सारी चीज़ों का यूज़ भी क्या है, डेफ एंड ब्लाइंड बच्चे नहीं कर पाते हैं. प्रॉब्लम्स इन मेंटेनिंग एंड रीस्टोरिंग बैलेंस, किसी भी चीज़ के चीज़ में मेंटेन करना और उसको वापस से अपनी लाइफ में रीस्टोर करने में काफ़ी ज़्यादा क्या है, बच्चे को प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है. बिकॉज डेफ एंड ब्लाइंड बच्चों के साथ क्या होता है, आप कोई भी कंडीशन रख लो, एलसेक्ट्रा कोई भी, मैं ये नहीं कह रही कि आप एक तरह की रखो या किसी अलग तरीके की रखो, आप किसी भी तरीके की बच्चे के साथ कंडीशन रखोगे तो वहाँ पे क्या होगा, बच्चा जब आपको प्रॉपर वे में नहीं सुन पाएगा, नहीं समझ पाएगा तो उस वे में भी बच्चे के साथ वहाँ पे प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगी. ठीक है, नाउ अब बात करते हैं, अभी कैरेक्टरिस्टिक्स तो आपको पता चल गई कि डेफ एंड ब्लाइंड बच्चों की जो है कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं. नाउ अब बात करते हैं कि इम्प्लीकेशंस कैसे होने चाहिए, राइट. तो जो आपके बच्चों के लिए आपको इम्प्लीकेशंस करने हैं ना, जो एज अ टीचर आपको कुछ अप्लाई करना है, इम्प्लीकेशंस करने हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट करना है, वो सारी चीज़ें हम बात करते हैं कि आपको किस वे में बच्चों के साथ कांटेक्ट बना के ये सारी चीज़ें कंप्लीट करनी है. ठीक है, पहले मैं एक लाइन पढ़ना चाहूँगी आपके लिए जो आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा डेफ एंड ब्लाइंड बच्चों के बारे में. डेफ एंड ब्लाइंड कंडीशन इज अ कॉम्युनिकेशन ऑफ विजुअल एंड हेयरिंग इम्पायर्ड स्टूडेंट विद डेफ ब्लाइंड कंडीशन हैव यूनिक एजुकेशन नीड्स. ठीक है, जो डेफ एंड ब्लाइंड वाले बच्चे होते हैं उनको एजुकेशन से रिलेटेड यूनिक एजुकेशन नीड्स की ज़रूरत होती है, जो हम नॉर्मल बच्चों के लिए यूज़ करते हैं उससे कुछ बिल्कुल अलग होकर, जिसमें बहुत सारी टेक्निक्स का यूज़ हो, उनके लिए फैसिलिटीज़ का यूज़ हो और बाकी अदर मोड्स का यूज़ हो, वैसी चीज़ें क्या है हमें बच्चों के लिए रखनी है. ठीक है, दे कांट लर्न बाय साइन एंड हेयरिंग. ये वाले बच्चे मतलब डेफ ब्लाइंड जो बालक होते हैं वो किसी भी हेयरिंग को नहीं सुन सकते और किसी भी साइन के थ्रू क्या है नहीं सीख पाते हैं. दे कैन ओनली लर्न बाय डूइंग एंड विद द टैक्टिकल मोड. तो ये वाले बच्चे कैसे सीख पाते हैं, आपको पता चला, लर्निंग बाय डूइंग. ठीक है, अब ये जब डेफ तो ब्लाइंड है तो सुन भी नहीं पाएंगे, समझ भी नहीं पाएंगे, तो आप इनको लर्निंग कैसे करवाएंगे, इनकी जो आपको लर्निंग करवानी है वो करवानी है आपको लर्न बाय डूइंग, कि बच्चे स्वयं कर सीखे, खुद एक्सपीरियंस करे. आप फॉर एग्जांपल कि आपको बच्चे को किसी को घड़ा बनाना सिखाना है या आर्ट किसी चीज़ की सिखानी है तो आप उसको दिखा के सिखा पाओगे, सुना के सिखा पाओगे, नहीं सिखा पाओगे ना. तो आप क्या करोगे वहाँ पे आप क्या करोगे कि आप बच्चों की को क्या दोगे, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराओगे, मटेरियल प्रोवाइड कराओगे, देन जब बच्चा खुद उसको एक्सपीरियंस करेगा, तोड़ेगा मरोड़ेगा, खुद कुछ ना कुछ उसमें क्रिएट करके देखेगा तो उस हिसाब से वो कुछ ना कुछ सीख जाएगा. जो थोड़े एक चीज़ आप लोगों ने भी नोटिस करी होगी कि जो अंधे बच्चे होते हैं उनकी हेयरिंग पावर बहुत स्ट्रांग होती है,
कदमों की आवाज़ से पता चल जाता है कि कौन व्यक्ति आ रहा है, कौन जा रहा है, किस चीज़ की आवाज़ है, किसकी नहीं है, ठीक है। और अगर उनके हाथों ने कुछ अपने हाथों से सेंसेशन कर लिया, कुछ फील कर लिया या टच कर लिया, तो वो उस टच को कभी नहीं भूलते हैं। अगर उनकी आंखें भी नहीं है, नेक्स्ट टाइम अगर वो किसी चीज़ को टच कर रहे हैं सेम को भी, तो वो बता सकते हैं कि ये चीज़ वो है, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है कि जो बच्चे डेफ और ब्लाइंड दोनों होते हैं, उनको अगर आपको लर्निंग करानी है तो लर्निंग बाय डूइंग करवाइए, जिससे बच्चे खुद टच करें, फील करें, और वो लाइफ टाइम क्या है उस चीज़ को कभी भूल नहीं पाएंगे, ठीक है। अब इम्प्लीकेशंस पे बात कर लेते हैं। कैन नॉट अंडरस्टैंडिंग कन्वर्सेशन क्लासरूम लेक्चर्स, ये जो बच्चे होते हैं वो आपके जो क्लासरूम लेक्चर्स होते हैं उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। तो आपको ऐसी एजुकेशन देनी है जो लेक्चर्स पे डिपेंड ना हो इन बच्चों के लिए, ठीक है। सेकेंड आता है चैलेंज फॉर द पार्टिसिपेशन इन अ क्लासरूम डिस्कशन। इन वाले बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग होता है बाकी बच्चों के साथ कम्युनिकेट करते हुए एक डिस्कशन में इन्वॉल्व होना या वार्तालाप करना या अपनी फीलिंग शेयर करना, ठीक है। तो आपको ट्राई करना है कि डिस्कशन और ऐसी एक्टिविटीज़ भी क्लासरूम के अंदर नहीं करवानी है एज अ टीचर। थर्ड आता है चैलेंजेस इन अ प्रेजेंटिंग ओरल रिपोर्ट्स। ओरल टेस्ट में बहुत प्रॉब्लम होती है, क्या वो ओरल टेस्ट हो, ओरल आंसरिंग क्वेश्चनिंग हो, या फिर ओरली लेक्चर हो, ओरली प्रेजेंटेशन हो। तो आपको ये भी ट्राई करना है कि इन बच्चों के लिए ओरली कुछ भी नहीं रखना है, ठीक है। उसके बाद आता है प्रॉब्लम इन फुलफिलिंग रीडिंग असाइनमेंट्स। किसी भी रीडिंग टाइप असाइनमेंट्स को फुलफिल करने में बच्चों के सामने प्रॉब्लम आती है, बिकॉज वो उसको देख नहीं सकते, समझ नहीं सकते, तो वो उसको फुलफिल कैसे करेंगे। अब आप अगर मान लीजिए मेरी आंखें नहीं है, मैं आंखें बंद कर लेती हूँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, एज ए टीचर मेरे को बोल दिया गया कि बच्चे ये आपको फुलफिल करना है, तो मैं उसको कैसे करूँगी, मुझे तो उसमें क्वेश्चन भी नहीं दिखाई दे रहे ना। तो मतलब बेसिकली इसमें मतलब है कि बच्चे क्या है, जो रिटन एग्जामिनेशन होते हैं और आपके असाइनमेंट्स होते हैं रीडिंग वाले, उसको भी फुलफिल नहीं कर पाते, ठीक है। उसके बाद आता है डिस्ट्रॉयड प्रिस्क्रिप्शंस। इनके बच्चों के जो हम अगर पहले से प्रिस्क्रिप्शंस बना लेते हैं इन बालकों के बारे में, इन बच्चों के बारे में, कोई प्री प्लान लर्निंग के को लेकर कि अभी ये चीज़ बच्चे कर सकते हैं या वो चीज़ बच्चे कर सकते हैं, तो उस कंडीशन में भी क्या है, बच्चे वो चीज़ नहीं कर पाते हैं। तो वहाँ पे आपके जो प्री प्रिस्क्रिप्शंस होते हैं वो भी डिस्ट्रॉयड होते नज़र आते हैं। देन आता है डिफ़िकल्टी इन इमेजिंग द होल पिक्चर एंड रिलेटिंग एन एलिमेंट टू द, ठीक है, एलिमेंट टू द सर्कमस्टेंसेस एंड सराउंडिंग्स। इसका मतलब है कि जो आपके आसपास के एलिमेंट्स होते हैं, जो इमेजिनेशन करनी है आपको, वो सारे भी इसके साथ डिस्ट्रॉयड होते हुए नज़र आते हैं, क्योंकि बच्चे वहाँ पे प्रॉपर वे में कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं कि आपको कैसे कम्युनिकेट करना है, क्या चीज़ कम्युनिकेट नहीं कर पाने हैं, और बाकी चीज़ों में भी बच्चे के साथ वहाँ पे प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है। तो एज अ टीचर आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप जो बच्चे की लर्निंग कराए डेफ एंड ब्लाइंड के लिए, उनकी कैसी लर्निंग होनी चाहिए, उनकी लर्निंग ऐसी होनी चाहिए कि जो उनके लर्निंग बाय डूइंग पर फोकस करे, ठीक है। अभी इसके साथ आपका हमारा यहाँ पे विजुअल हो गया था, हेयरिंग हो गया, देन आपका डेफ्थ और ब्लाइंड हो गया, ठीक है। तो ये आपका सेंसरी एम्पायर्ड भी कंप्लीट हो गया ये वाला। लास्ट इसमें बचा है स्पीच एंड लैंग्वेज, ठीक है। अब इसमें आता है आपका स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी। फटाफट इसको भी कर लेते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो बात करते हैं स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी। देखिए स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी क्या होती है, इसके नाम से ही थोड़ा आपको अंदाज़ा हो रहा होगा। स्पीच एंड लैंग्वेज, जो आपकी भाषा होती है, जो आपकी बोलचाल होती है, अगर वो उसमें प्रॉब्लम आ रही है, तो उसमें वो क्या हो गई आपकी डिसेबिलिटी। जैसे कुछ बालक हकलाते हैं, बोलते बोलते खो जाते हैं किसी अलग ही दुनिया में, तो वो सारी क्या होती हैं, वो डिसेबिलिटीज़ होती हैं। तो अब उनको फटाफट पहले से पढ़ लेते हैं।
स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी मीन्स परमानेंट डिसेबिलिटी अराइजिंग आउट ऑफ कंडीशन सच एज अ लार्जनेटिज्म एंड एफेसिया अफेक्टिंग वन और मोर कंपोनेंट्स ऑफ स्पीच एंड लैंग्वेज ड्यू टू ऑर्गेनिक एंड न्यूट्रिकल कॉजेज. देखिए, जब आपकी जो हॉर्मोन्स होते हैं या फिर जो आपके ऑर्गेनिक सिस्टम्स होते हैं, अगर उनके कारण आपकी स्पीच में कुछ दिक्कत आती है, जैसे कुछ बच्चों की जीभ टेढ़ी हो जाती है या उस पर भी लकवा मार जाता है या कुछ इस तरीके की कंडीशन हो जाती है, या आपकी कोई नर्व सिस्टम काम नहीं कर रहा है जिससे आपकी जो भाषा है वो बाहर नहीं आ रही है, आपका ये कंठा काम नहीं कर रहा है, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ गई है, तो ये सारी प्रॉब्लम क्या है आपकी ऑर्गेनिकली हम देखते हैं कि आपको किसी भी तरीके के स्पीच एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर वहाँ पे दिखाई पड़ते हैं. ठीक है, अब इसके टाइप की बात करते हैं. देर आर मैनी काइंड ऑफ स्पीच एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर्स. काफ़ी तरीके के स्पीच एंड आपके लैंग्वेज डिसऑर्डर्स होते हैं. टू टाइप आर मैंशन. इसमें क्या है, काफ़ी टाइप के होते हैं. इसमें से देखिए, आप कभी भी माउथ नोज, हम जब बोलते हैं तो बोलने में किस किस का प्रयोग करते हैं, माउथ का यूज़ भी होता है, नोज़ का यूज़ भी होता है, हवा बाहर जाती है आती है. अगर मैं आपकी नाक बंद कर दूं तो थोड़ी देर के लिए आप मुंह से फिर मुंह खोल लोगे, तो इन दोनों का कनेक्शन होता है ना, तो दोनों से क्या है. ये नहीं अगर आप सोच रहे हो कि नाक से कैसे बोलता है, लेकिन नाक का सपोर्ट भी तो होता है, आपकी नोज़ का सपोर्ट होता है कि आपको ऑक्सीजन लेने में फ़ायदा हो, तभी तो आप लगातार बोलते हो. अगर मैं आपकी नाक बंद कर दूँ, ऑक्सीजन ही नहीं ले पाओगे आप, तो कितनी देर तक बोल पाओगे, राइट. तो इसीलिए जो आपकी माउथ और नोज़ का कनेक्शन होता है उसके अंदर भी देखा जाता है आपकी लैंग्वेज और स्पीच डिसऑर्डर के अंदर. तो अभी इसके अंदर फोर आपके कंडीशंस बताई हैं, सॉरी फाइव, जिसमें पहला है आपका एफेक्सिया, सेकंड है आपका अर्थ कैलकुलेशन डिसऑर्डर, थर्ड है आपका फ्लुएंसी डिसऑर्डर, एंड देन आपका फोर्थ है वॉइस डिसऑर्डर, एंड देन है आपका लैंग्वेज डिसऑर्डर. ठीक है, ये सारे आपके किसके अंदर आते हैं, डिसेबिलिटीज़, स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटीज़ के अंदर आते हैं इतने टाइप के. अब बात करते हैं फर्स्ट, एफिक्सिया इज अ कॉम्युनिकेशन डिसऑर्डर रिजल्टिंग फ्रॉम डैमेज एंड इंजरी टू लैंग्वेज पार्ट इन अ ब्रेन, द फोर टाइप ऑफ मेजर एरियाज. ठीक है, ये जो आपका एफेक्सिया है, इसमें क्या होता है कि आपकी ब्रेन की कोई नर्व या ब्रेन का ऐसा पार्ट डैमेज हो जाता है जिससे आपको कमांड नहीं मिल पाती है, आपको सोचने की अब अगर मैं आपको बोलूं कि फॉर एग्जांपल मुझे ताजमहल के बारे में बताइए, तो आपने क्या किया, पहले मेरी बात को सुना, समझा, सुना किससे, कानों से, समझा किससे, दिमाग से, देन सोचा कि मुझे क्या करने के लिए बोला गया है, देन आपने क्या किया, स्पीच की, अपना जो आपका माउथ है उसका यूज करते हुए आपने बोला, आपने विचार रखे. ठीक है, तो किस किस का कनेक्शन हो गया, पहले सुना, सोचा, समझा, फिर ही आपने बोला ना. हम कोई भी बात जब वार्तालाप करते हैं या कोई भी बात करते हैं, कहीं जाते हैं, या मेरे हाथ में ये चीज़ है, मैं सोच रही हूँ कि इसमें से क्या पढ़ाऊँ, क्या नहीं पढ़ाऊँ, कैसे पढ़ाऊँ, कैसे आपको डिस्क्राइब करूँ, एक्सप्लेन करूँ, ये सारे किससे कर रही हूँ, दिमाग से कर रही हूँ ना, तभी तो मैं बोल रही हूँ. अगर मेरे दिमाग में ही पॉइंट नहीं आ रहे हैं या मैं सोच ही नहीं पा रही हूँ तो बोलूँगी कैसे, राइट. तो जब आपकी बोलने के लिए सबसे पहले क्या होता है, आपका ब्रेन का यूज़ होता है, तो आपके ब्रेन में कोई ऐसी नर्व डैमेज हो जाती है या आपके ब्रेन में कोई इंजरी हो जाती है जिस वजह से आप बोल नहीं पाते हो, सोच नहीं पाते हो, तो उस तरीके की कंडीशन को क्या कहते हैं, अफेक्सिया बोलते हैं. ठीक है, ये आपका स्पीच एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर के अंदर आता है. अब इसके अंदर भी फोर मेजर पार्ट्स होते हैं जो आपके आर्थिक कैलकुलेशन डिसऑर्डर में आता है, फ्लुएंसी डिसऑर्डर, वॉइस डिसऑर्डर और लैंग्वेज डिसऑर्डर. ठीक है, जब ब्रेन आपका काम नहीं कर रहा है, उसके अंदर कोई इंजरी हो गई है, तो ये चार तरीके की कंडीशंस आपके साथ हो सकती है. तो अर्थ कैलकुलेशन डिसऑर्डर में क्या होता है, एरर्स इन प्रोडक्शन ऑफ स्पीच साउंड,
इसके अंदर क्या होते हैं, एरर्स आते हैं इन अ स्पीच साउंड, किसी भी साउंड को करने में एरर, एरर ऑफ स्पीच साउंड लिख देती हूं, ठीक है। तो इसके अंदर क्या आता है, अर्थ कैलकुलेशन डिसऑर्डर में एरर ऑफ स्पीच साउंड होती है आपकी, फ्लुएंसी डिसऑर्डर में होता है आपका, फ्लुएंसी रेफर टू द फ्लो ऑफ स्पीच, इसके अंदर आपका फ्लो नहीं बन पाता है, ठीक है। फर्स्ट में क्या होगा अर्थ कैलकुलेशन डिसऑर्डर में, कि आपके जो स्पीच साउंड है, जो साउंड है उसमें एरर्स उत्पन्न होंगे। एक प्रॉपर साउंड कैसा होना चाहिए बोलने का, अभी मैं आपके सामने बोल रही हूँ, अगर मैं ठीक है ये वो इतना धीरे बोलूँगी तो आपको भी सुनाई नहीं देगा, तो ये भी क्या एक तरह का डिसऑर्डर है, एक तरह की कमी है ना। अगर मैं यहाँ पर लेक्चर दे रही हूँ तो मेरी प्रॉपर साउंड होनी चाहिए, अगर मैं अपने घर में किसी से बात कर रही हूँ तो इतनी तेज चीख के नहीं करूँगी, वहाँ पे नॉर्मल साउंड का यूज़ करूँगी, फ़ोन पे किसी से बात कर रही हूँ वहाँ पे भी नॉर्मल साउंड का वॉइस करूँगी। तो वहाँ पे क्या है, इस तरीके के जब हमें प्रॉपर साउंड का हमें यूज़ नहीं मिल पाता है या उसके अंदर एरर्स आते हैं, तो वो है आपका अर्थ कैलकुलेशन डिसऑर्डर, ठीक है। अब एक सेकेंड आता है फ्लो, आपका फ्लुएंसी डिसऑर्डर आती है जिसके अंदर जब आपके फ्लो नहीं बन पाता है स्पीच के अंदर। अभी मैं आपके साथ कंटिन्यूसली जिस वे में बात कर रही हूँ, जिस वे में समझाने की कोशिश कर रही हूँ, तो उसमें एक फ्लुएंसी है ना, कंटिन्यूस मैं बोले जा रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, हर वर्ड एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। लेकिन अगर उसमें फ्लुएंसी ना हो, मैं एक वर्ड बोलूँ रुक जाऊँ, फिर सोचूं आधे घंटे के लिए, फिर बोलूं, फिर रुक जाऊं, तो अगर उसमें ले ही नहीं होगी, बहाव नहीं होगा, फ्लुएंसी नहीं होगी, तो ना तो आपको सुनने में अच्छा लगेगा ना मुझे बोलने में अच्छा लगेगा, राइट। तो वो कौन सा होता है, वो फ्लुएंसी डिसऑर्डर होता है आपका, जिसके अंदर फ्लो ऑफ स्पीच नहीं हो पाता है, उसके अंदर एरर आता है, ठीक है। वो भी आपका माइंड से कनेक्टेड है। देन आता है वॉइस डिसऑर्डर, प्रॉब्लम विथ क्वालिटी ऑफ वॉइस रिजल्टिंग फ्रॉम डिसऑर्डर्स इन लारेक्सिल, मतलब जब आपकी वॉइस में क्या है, क्वालिटी नहीं होती है, क्वालिटी ऑफ वॉइस, जब आपकी वॉइस के अंदर क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, आपकी स्पीच जो आपकी वॉइस टोन है वो प्रॉपर नहीं होती है, तो वो आता है आपका वॉइस डिसऑर्डर के अंदर, ठीक है। इसमें लास्ट आता है आपका लैंग्वेज डिसऑर्डर, लैंग्वेज डिसऑर्डर क्या है, इम्पायर्ड एबिलिटी टू अंडरस्टैंड यूज वर्ड इन अ कंटेंस, यानी कि किसी भी लैंग्वेज जो हम यूज़ कर रहे हैं, जो भी हम भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या है, मैं आपको हिंदी में बोल रही हूँ, इंग्लिश में बोल रही हूँ, मराठी में बोल रही हूँ, गुजराती में बोल रही हूँ, तो वो ऐसी होनी चाहिए जो आपको अंडरस्टैंड हो। आपका मेन मोटिव क्या है कि आपको समझ आना चाहिए, ठीक है। तो आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज होनी चाहिए, और जो आप उसके अंदर वर्ड्स यूज कर रहे हो, कंटेंट्स यूज कर रहे हो, आपको उसकी समझ होनी चाहिए। तो इसके अंदर आपका आता है अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पीच और लैंग्वेज समथिंग एल्स। तो इस यहाँ पे आप ले सकते हैं, आपका लैंग्वेज डिसऑर्डर है, ठीक है। तो ये आपका स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी है कि हमें कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है जब हमारे माइंड में कोई इंजरी हो जाती है या कोई नर्व डैमेज हो जाती है किसी तरीके की, हमारा दिमाग काम नहीं करता है, तो आपके साथ ये चार तरीके की प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है, जिसमें एक आपका प्रॉपर स्पीच साउंड नहीं होता है, प्रॉपर फ्लो नहीं होता है, वॉइस टोन प्रॉपर नहीं होता है, और उसके बाद अंडरस्टैंडिंग होती नहीं होती है, ठीक है। नाउ बात करते हैं करेक्टरिस्टिक्स की, कि इस तरह के बच्चों में जिनकी स्पीच और लैंग्वेज डिसऑर्डर होता है, जिनके अंदर डिसेबिलिटी पाई जाती है, वो किस तरीके के बच्चे होते हैं। फर्स्ट, डिफ़िकल्टी इन प्रोड्यूसिंग साउंड, उनको कोई भी साउंड प्रोड्यूस करने में बड़ी दिक्कतें आती हैं। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि हाथी की साउंड निकालो, या चलो चीते की निकालो, बंदर की निकालो, कैट की निकालो, तो वहाँ पे क्या होगा, वो एक डिसऑर्डर होगा। अगर उनका ये वॉइस वाला डिसऑर्डर है, क्वालिटी वाला या फ्लो नहीं है, तो वो कोई भी क्या है, साउंड नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। तो किसी भी तरीके की किसी साउंड प्रोड्यूस करने में, क्या वो नॉर्मल वार्तालाप की साउंड क्यों ना हो, कन्वर्सेशन की, उसको प्रोड्यूस करने में भी क्या है, प्रॉब्लम फेस होती है, ठीक है। उसके बाद आता है एडिशन, ओमिशन, सबसेक्शन एंड
डिस्टॉर्शंस ऑफ साउंड ऑफ वर्ड्स, किसी भी तरीके की साउंड, जैसे हम बोलते हैं एडिशन, सबसेक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ये तरीके की साउंड भी बच्चे नहीं समझ पाते हैं। उसके बाद आता है प्रॉब्लम विथ पिच, लाउडनेस, रोंजल एंड क्वालिटी ऑफ द वॉइस। बच्चों की क्वालिटी ऑफ वॉइस में प्रॉब्लम होती है, पिच में प्रॉब्लम होती है, जो वॉइस पिच होती है आपकी कि कब कहाँ पे धीमी होनी चाहिए, तेज होनी चाहिए, नॉर्मल होनी चाहिए, लाउडनेस में प्रॉब्लम आती है। उसके बाद आता है लॉस ऑफ वॉइस। कुछ बालक ऐसे होते हैं कि वो अपनी वॉइस ही खो देते हैं, क्योंकि अगर ये वाली कंडीशन एक हाई क्वालिटी पे आपको फेस करने को मिल रही है, तो धीरे धीरे क्या है, बच्चों के लिए वो इतनी इफेक्ट करती है कि धीरे धीरे बच्चे बोलना ही कम कर देते हैं, जिससे उनकी वॉइस कहीं ना कहीं ख़त्म होती चली जाती है। ठीक है, उसके बाद आता है इन प्रॉपर यूज़ ऑफ वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स। वो किसी भी तरीके के वर्ड्स को यूज़ नहीं कर पाते, इन प्रॉपर यूज़ करते हैं वर्ड्स का, उनके मीनिंग्स को नहीं समझ पाते, इन प्रॉपर मीनिंग्स यूज़ करते हैं किसी भी वर्ड का। उसके बाद आता है इन एबिलिटी टू एक्सप्रेस आइडिया, अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, क्योंकि बोलकर ही आप एक्सप्रेस करोगे। मैं अपनी फीलिंग्स या इससे रिलेटेड कंटेंट से रिलेटेड जो भी आपको समझा रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, बोल के ही कर रही हूँ ना। अगर मेरे अंदर भी स्पीच एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर होता तो मैं भी प्रॉपर वे में नहीं बोल पाती, आपको अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाती। तो इन तरह स्पीच एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर वाले बच्चों में क्या है, ये भी आपको देखने को मिलता है कि वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। इन प्रोबेबिलिटी ग्रामेटिकल पैटर्न, वो ग्रामेटिकल पैटर्न को भी ठीक से यूज़ नहीं कर पाते हैं। ठीक है, रिड्यूस वोकैबलरी, कम वोकैबलरी होती है उनकी, वोकैबलरी भी ज़्यादा अच्छी नहीं होती, चाहे वो हिंदी की हो, इंग्लिश की हो, वोकैबलरी ज़्यादा अच्छी नहीं होती है, क्योंकि वो उसकी रिपीटेशन नहीं कर सकते, प्रैक्टिस नहीं कर सकते। ठीक है, नाउ आता है इनएबिलिटी टू फॉलो डायरेक्शंस, किसी भी चीज़ को डायरेक्शंस को फॉलो करने में बड़ी इनएबिलिटीज़ होती हैं बच्चे के लिए, जिनके अंदर स्पीच एंड डिसऑर्डर होते हैं, क्योंकि वो वहाँ पे अपनी इस वाली इनक्वालिटी की वजह से वहाँ पे अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। एंड लास्ट पॉइंट, ट्रबल कम्युनिकेटेड कम्युनिकेटिंग और कॉम्प्रीहेंसिव, मतलब अपने आप को प्रॉपर वे में कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, किसी के साथ बात नहीं कर पाते हैं, या किसी के साथ ऐसे अपने विचार या शब्दों को क्या है वहाँ पे बच्चे शेयर नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अब ये समझ आ गया आपको स्पीच एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर डिसेबिलिटीज़ क्या हैं। अब फटाफट से पढ़ लेते हैं कि इसकी इम्प्लीकेशन क्या है, एज अ टीचर आपको क्या काम करना है। ठीक है, इनएबिलिटी टू कम्युनिकेट इन अ क्लासरूम कैन बी वेरी चैलेंजिंग फॉर द स्टूडेंट्स। बच्चों के साथ क्लासरूम के अंदर कम्युनिकेट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, जिनमें स्पीच एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर होता है, एज द स्ट्रगल अकेडमिकली एंड एक्सपीरियंस सोशलाइजेशन प्रॉब्लम। और उसके बाद सोशलाइज प्रॉब्लम और जो बच्चे की अकेडमिक प्रॉब्लम होती है, हमें वो फेस करने को मिलती है, क्योंकि कोई भी किसी भी जो स्कूल की बुनियाद है या स्कूल में टीचिंग लर्निंग हमारे प्रोसेस किए जाते हैं, वो किस वे में किए जाते हैं, वो आपके लिखाई पढ़ाई जो की जाती है, वो लिख कर, बोल कर, समझ कर ऐसी तो की जाती है, और उसमें भी आपके डिसऑर्डर्स होंगे, तो वहाँ पे सोचिए आपको बच्चे के साथ कितनी प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगी, उनकी पढ़ाई कितनी कम होगी, या बच्चे के साथ टीचिंग करने में कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। ठीक है, उससे क्या है, उनकी डेली लाइफ तो मतलब इफ़ेक्ट होती ही है, उनका सोशलाइज इफेक्ट होता है, उसके साथ साथ उनका एकेडमिक भी क्या है, वो काफी ज्यादा इफेक्ट करता है। दीज चिल्ड्रन विल लर्न बेस्ट यूजिंग टेक्सटाइल, विजुअल एंड ऑडिटरी क्यूज़ेस, मतलब ये वाले बच्चे जो होते हैं, दीज चिल्ड्रन कैसे अपने आप को प्रॉपर वे में टीचिंग के लिए हेल्प कर सकते हैं, इनके लिए अगर आप ऑडियो, विजुअल या कुछ ऐसी टीचिंग्स कराएं जिसके अंदर क्या है, बच्चा खुद अपने लर्निंग बाय डूइंग या एक्सपीरियंस करके सीखे। ठीक है, इम्प्लीकेशंस की बात आती है। इम्प्लीकेशंस में आपका फर्स्ट पॉइंट है, डिफ़िकल्टी इन थिंकिंग स्किल इंक्लूड इन प्रिस्क्रिप्शन, मेमोरी, अवेयरनेस, रीजनिंग, जजमेंट, इंटेक्चुअल और इमेजिनाइजेशन। मतलब ये जो बच्चे होते हैं स्पीच एंड डिसऑर्डर वाले बच्चे, लैंग्वेज डिसऑर्डर वाले बच्चे, इनके लिए जो इनकी थिंकिंग स्किल्स होती है, क्योंकि आप अगर सोच रहे हो, अगर
स्पीच एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर है. फॉर एग्जाम्पल मानिए कि छोटे से एग्जाम्पल से ट्राई करती हूँ आपको समझाने के लिए कि अगर लैंग्वेज और आपका स्पीच डिसऑर्डर है किसी बच्चे में, लेकिन उसका दिमाग प्रॉपर है, उसके अंदर थॉट्स आ रहे हैं, वो सोच रहा है अपने आइडियाज़ को, इमेजिनेशंस को, लेकिन वो बोल नहीं पा रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, अपने आइडियाज़ को, किसी को जजमेंट नहीं दे पाएगा, रीजनिंग नहीं कर पाएगा, मेमोरी नहीं कर पाएगा, ज़्यादा अवेयर नहीं हो पाएगा, ठीक है. और इस वे में भी नहीं हो पाएगा, अगर उसके माइंड में ही कोई इंजरी है तो वो भी क्या है, प्रॉपर वे में थिंकिंग ही नहीं कर पाएगा, ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट आता है प्रॉब्लम ड्यू टू शटरिंग विच मे इंटरपेक्शंस ऑफ द फॉलो फ्लो ऑफ स्पीच दैट मे इंक्लूडिंग हेजिटेशन रिपीटेशन और ऑफ द साउंड वर्ड्स. इन वाले बच्चों के साथ क्या होता है, किसी भी साउंड को प्रोनाउंस करने में या फिर बोलने में, समझने में, डिस्कस करने में दूसरे के साथ क्या है, हेजिटेशन वाली प्रॉब्लम आती है, रिपीटेशन नहीं कर पाते हैं, ठीक है. तो आपको बच्चों के लिए ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करानी है ऐसे टीचर कि आप बच्चों की हेजिटेशन को दूर कर सको, उनको रिपीटेशन के क्या है ऑप्शंस खोल के दे सको. उसके बाद नेक्स्ट आता है मे स्ट्रगल विद रीडिंग ड्यू टू डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड एक्सप्रेसिंग लैंग्वेज. किसी भी चीज़ की अगर बच्चे रीडिंग करते हैं, समझते हैं उसको, लेकिन उसको एक्सप्रेस करने में बच्चों को काफ़ी दिक्कतें आती हैं. उसके बाद मिसअंडरस्टैंड सोशल क्यूज. अब अपने सोशल क्यूज़ को क्या है, काफ़ी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, मिसअंडरस्टैंड कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों का अगर दिमाग काम नहीं कर रहा है, दिमाग में कोई इंजरी है या कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई कुछ बोल रहा है, कुछ समझ रहा है, लेकिन आप बहुत स्लो लर्नर हैं, बहुत लेट सीख रहे हैं, अपने आप को प्रॉपर वे में स्पीच नहीं कर पा रहे हैं, लैंग्वेज आपकी प्रॉपर नहीं है, तो वहाँ पर भी आप कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग मिसअंडरस्टैंडिंग वहाँ पर क्रिएट हो सकती है. अवॉइड्स अटेंडिंग स्कूल. ये बच्चे क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं स्कूल में जाना, अवॉइड करते हैं कि मैं स्कूल में नहीं जाऊंगा, मुझे डिस्करेज किया जाता है वो. तो आपको इन वाले बच्चों को, दीज बच्चों को क्या है, निकाल के बाहर लाना है, अपने इन्वायरमेंट के साथ कनेक्ट करना है और अपने स्कूल्स में लाने के लिए उनके लिए फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी है. शोज पुअर जजमेंट. काफ़ी पुअर जजमेंट इन बच्चों का शो होता है. डिफ़िकल्टी विद टेकिंग टेस्ट. अब बहुत ज़्यादा किसी भी, अगर एज अ टीचर आप बच्चों का टेस्ट ले रही हैं वर्बली या फिर उनकी स्पीच से वर्बली भी और ओरली भी, तो उस तरीके के टेस्ट में भी क्या है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है. नेक्स्ट आता है डिफ़िकल्टी इन ऑर्गेनाइजिंग आइडिया. अपने आइडियाज़ को ऑर्गेनाइज करने में बच्चों में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि बच्चों के दिमाग में तो थॉट्स आ रही हैं, आपकी एक नर्व काम नहीं कर रही है, आप सोच तो पा रहे हो बाकी नर्व से, लेकिन क्या है, अपने उन आइडियाज़ को एक ऑर्गेनाइज, एक प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज करने में आपको प्रॉब्लम वहाँ पर फेस करने को मिल रही है, ठीक है. उसके बाद आता है फेलियर टू फॉलो डायरेक्शन. किसी भी चीज़ की फॉलो डायरेक्शंस में भी बहुत फेलियर होते हैं. डिफ़िकल्टी इन फाइंडिंग द राइट वर्ड ऑफ थिंकिंग थिंग्स सॉरी. तो उसमें क्या होता है, किसी भी चीज़ की बारे में या किसी भी चीज़ के लिए एक पर्टिकुलर या एप्रोप्रिएट वर्ड चूज़ करने में काफ़ी दिक्कतें आती हैं बच्चों को. नेक्स्ट है प्रॉब्लम इन नेगोलेटिंग विद द रूल्स ऑफ गेम. अगर आप बच्चों के साथ कोई एक्टिविटी करवा रहे हैं, कोई गेम्स वगैरह फॉलो करवा रहे हैं, तो उस कंडीशन में भी बच्चों के साथ काफ़ी प्रॉब्लम्स, दिक्कतें आती है, क्योंकि वो रूल्स को नहीं फॉलो करते हैं या फिर अपनी प्रॉब्लम्स आपके साथ शेयर नहीं कर पाते हैं. स्लो इन रिस्पॉन्डिंग एंड इनएक्टिवनेस. इन वाले बच्चों के साथ क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा बच्चे इनएक्टिव रहते हैं और स्लो लर्नर्स रहते हैं, ठीक है. तो अब ये सारी चीज़ें पता चल गई. अब आज की क्लास में हमने डेफ्ट एंड ब्लाइंड पढ़ लिया, इम्प्लीकेशंस पढ़ लिए, उनकी करेक्टरिस्टिक्स पढ़ ली, और स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी भी पढ़ लिए, टाइप पढ़ लिए, उसकी करेक्टरिस्टिक्स बच्चों की पढ़ ली और इम्प्लीकेशंस पढ़ लिए एज अ टीचर. अब एज अ टीचर आपको बच्चों के साथ बहुत पॉजिटिव रहना है, ऐसी चीज़ें लेकर आनी है क्लासरूम के अंदर कि आप बच्चों की प्रॉपर वे में लर्निंग करा सको, उनके अधिगम में उनका सहयोग कर सको,
उनको जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको टेकल कर सको, उनको प्रॉब्लम सॉल्विंग बना सको। और इन बच्चों के लिए ट्राई कीजिए जो उनका स्पीच एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर होता है, कि आपको विजुअल और ऑडियोज एड्स या फिर लर्निंग बाय डूइंग वाली एक्टिविटीज़ करवानी होती है बच्चों को, जिससे वो प्रॉपर वे में बच्चे सीख पाते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ आज का लेक्चर फिनिश करते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर जो आपका नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक रह गया है इसके अंदर आपका, वो ऑटिज़म वगैरह वाले बच्चे, तो उनके बारे में डिस्कस कर लेंगे। तो अगर आज की वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ जो KVS या बाकी किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना अगर आप न्यू यूज़र हैं हमारे चैनल के लिए तो। और उसके बाद KVS कंप्यूटर साइंस का अगर आपको टेक्निकल सपोर्ट चाहिए या बाकी ऑर्डर करना है आपको कोर्स, तो आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है, आप वहाँ पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।